अस्सलाम वालेकुम बहनों की बातों में मैं रिफत और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गाजर खीर। क्योंकि सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके हैं और गाजर खीर सर्दियों के मौसम में ही बनाई जाती है क्योंकि इसके लिए गाजर की ज़रूरत पड़ती है और गाजर जो है वो सर्दियों में ही आती है। लिहाजा आज मैं बना रही हूँ गाजर खीर जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। पंजाब में मिट्टी के बर्तनों में ठीकरियों में जमाई जाती है और बर्फ के सिरों पर ठंडी करके खाई जाती है। मैं तो फ्रिज में रख कर खाऊंगी, जाहिर है हमारे तो आजकल फ्रिज हर घर में होता है, तो इसे चिल करके खाइएगा। और इसके लिए जो रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। चलिए गजरेले में जो चीज़ें चाहिए मुझे, सबसे पहले तो उसके लिए दूध चाहिए। ये मेरे पास 1.5 लीटर के 3 पैकेट हैं। अगर आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास ये 4.5 लीटर दूध है और मेरे पास गाजर है ये 1.5 किलो के करीब है जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 प्याली चावल है जो मैंने इसे 4 से 5 घंटे भिगो दिया था और इसे मैंने ब्लेंडर में जरा सा दरदरा सा पीस लिया है। चीनी है हसब ज़रूरत, अकॉर्डिंग योर टेस्ट जितनी ज़रूरत होगी इसमें मैं उसमें शामिल करूँगी। वैसे मेरे पास ये इस वक्त 1 किलो चीनी मौजूद है। कुछ इलायची दाने जो मैंने पीस लिए हैं। गार्निश के लिए मुझे काजू चाहिए, अखरोट हैं और बादाम, पिस्ता, अगर जिसको जो पसंद हो मेवा वो शामिल कर सकता है। और साथ में मेरे पास ये 1/2 किलो के करीब खोया है, ये थोड़ा सा चंद कतरे केवड़ा शामिल करेंगे जी। ये मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गाजर और चावल को शामिल करूंगी जी। दूध जो है वो गर्म हो चुका है, बॉइल कर लीजिए पहले ऐसे अच्छी तरह, फिर उसमें आप चावल जो हमने 2 प्याली भिगोए थे और देखिए इस तरह दरदरा सा पीस लीजिए इसको और इसमें शामिल कर दीजिए और साथ ही हम इसमें गाजर भी शामिल कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो गाजर ली थी और इसे कद्दूकस कर लिया है और अब दूध और गाजर को दूध में एक साथ तेज आंच पे पकाएंगे ताकि चावल और ये बॉयल हो जाए अच्छी तरह, तेज आंच में चावल फूल जाए। अगर हम हल्की आंच पे रखेंगे तो चावल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और इसे चम्मच चलाते रहेंगे जी। इसको अब जब तेज आंच पे पका लें तो फिर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें, लेकिन बीच में चम्मच चलाती रहिएगा, ऐसा ना हो कि चावल जो है वो नीचे बैठ जाए, लगने नहीं चाहिए। और इसको गाढ़ा होने तक हम जिस तरह खीर पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको भी पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हल्की मीडियम आंच पर पक रहा है और अब मैं इसमें इलायची जो मैंने पीस कर रखी थी वो शामिल कर दूंगी। अब ये गाढ़ा होने वाला है, यानी कि अब जो है वो खीर की शक्ल अख्तियार कर रहा है, गाढ़ा हो रहा है। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी और इसको पकाऊंगी। मैंने 1/2 चीनी शामिल की है और चख लूंगी कि मीठा कम होगा तो फिर मैं और शामिल कर सकती हूँ। 1 किलो मैंने चीनी ली थी जिसमें से मैंने 1/2 शामिल की है और अब मैं इसे पकाऊंगी ताकि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए जी। मैंने मीठा चखा तो मुझे कम लगा, लिहाजा मैं 1 प्याली के करीब और डालूंगी, यानी कि तकरीबन मैंने इसमें 3 पाव चीनी जो डाली है, यानी कि परफेक्ट है, ना हल्का है मीठा ना बहुत ज़्यादा, तो 3 पाव इसमें चीनी गई है। अभी थोड़ा सा इसका चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें खोया शामिल करूंगी। खोया डालकर मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी और बस फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी।
ठंडा होने पर मैं इसके अंदर चंद कतरे केवड़े के शामिल करूंगी। जी देखते हैं, खीर जो है गाजर खीर तैयार है। अब मैं इसमें कुछ मेवे शामिल कर दूंगी बीच में, और कुछ गार्निश के लिए रख दिए हैं मैंने। वैसे ज्यादातर इसमें बादाम ही अच्छे लगते हैं, और इसमें मैं खोया शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने इसमें केवड़ा शामिल कर दिया है। बहुत गर्म है और मैं डिश आउट कर रही हूँ आपके लिए। वैसे तो इसको ठंडा करके खाते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी मीठा है ये। गाजर खीर या गजरेला जो आप कहना पसंद करें। जब इसको हम गार्निश करेंगे काजू। जी लीजिए गाजर खीर या गजरेला तैयार है, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।